बीजेपी मुसलमानों की पार्टी नहीं मानी जाती, लेकिन अब बीजेपी की पकड़ पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के बीच मजबूत हो रही है। यहां 27% आबादी मुसलमानों की ही है। 3 तलाक पर पार्टी के स्टैंड और बीजेपी की तमाम योजनाओं से मुसलमान प्रभावित होकर घर घर पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। कहीं महिलाओं ने मोर्चा थामा हुआ है तो कहीं मुसलमान कार्यकर्ताओं ने। भारत देश बचाना है, मोदी जी को लाना है। ২০১৪ बीजेपी के लिए उदय का साल था। इसी साल नरेंद्र मोदी देश के जननेता बनकर उभरे। और इसी साल बीजेपी ने पहली बार केंद्र में बहुमत हासिल किया। ২০১৪ में बीजेपी की लहर ऐसी थी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में छत्रपों की छत ही उखाड़ दी। लेकिन एक राज्य था पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी मामूली बढ़त के साथ महज 2 सीट हासिल कर पाई थी। तब से लेकर अब तक बीजेपी ने कई राज्यों में जीत दर्ज की। भारत के नक्शे में ज्यादातर राज्य भगवा रंग में रंगे गए, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जनाधार तलाशने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बीजेपी के निशाने पर अगला राज्य है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे बीजेपी ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी का बंगाल में हुकूमत होगा। जब से प्रधानमंत्री हुए हैं तो कभी भी हिंदू या मुसलमान की बात नहीं आई, वो सब के बारे में सोच रहे हैं। पहली ऐसी पार्टी है जो भाजपा के मुस्लिम महिला लोग के बारे में सोचिए कि उसके लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। अगर मोदी जी चाह रहे कि 1 लाख मुसलमान वोट दे तो यहाँ 10 लाख मुसलमान वोट दे। बंगाल में मुसलमान वोटर अहम है, और इसीलिए बीजेपी ने मुसलमानों को तेजी से अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। तलाक तलाक तलाक, 3 शब्द जिनसे हजारों महिलाओं का जीवन बर्बाद हो चुका है और हो रहा है। देश भर में आज इस प्रथा के खिलाफ बहस छिड़ी है। पश्चिम बंगाल में तकरीबन 27% मुसलमान हैं। इस प्रथा के खिलाफ मुसलमान महिलाएं खामोशी से एक क्रांति लाने की कोशिश कर रही हैं। कोलकाता के एक मकान में इस कमरे में मौजूद ये बीजेपी अल्पसंख्यक महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा अब राज्य में पार्टी की जड़ें मजबूत करने में जुट गया है और मुद्दा बन रहा है 3 तलाक। 3 तलाक एक साथ नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम महिला को इसके लिए हम लोग को रोड शो करना पड़े, धरना में उतरना पड़े, कुछ भी करना पड़े। हम लोग ये लॉ पास करवाएंगे कि एक साथ 3 तलाक नहीं हो। अगर आप छोड़ते हैं तो आपको आपके हैसियत के मुताबिक सारा मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी महिला अल्पसंख्यक मोर्चा का काम नूर सभा देखती हैं। नूर सभा को उनके पति ने 1994 में तलाक दे दिया था। मोदी सरकार ने समान नागरिक कानून की बात की तो नूर सभा और दूसरी महिलाओं को बीजेपी ने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके साथ तलाक से पीड़ित महिलाएं जुड़ने लगी। इन्हीं में से एक हैं रशीदा बानो। तलाक तलाक तो दे दिया था, घर ही में दोनों लड़का है, उसी को लेकर 8 साल से हम अकेला चल रहा जिंदगी, काम कर रहे हैं। मतलब आदमी है तो खर्चा दिया नहीं, कोर्ट से भी कोई खर्चा मिला नहीं, साफ बोल दिया हम देने नहीं सकेंगे। तीन तलाक से जुड़ा ये अभियान बीजेपी के लिए 2019 में होने वाले चुनावों के लिए अहम सीढ़ी साबित हो सकता है। 9 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। पहले लेफ्ट, फिर ममता, लेकिन आम मुसलमानों की सामाजिक जिंदगी में कोई चढ़ाव नहीं आया। 3 तलाक की प्रथा के चलते हजारों घर बिखर चुके हैं। बंगाल की मुसलमान महिला अब इसीलिए बीजेपी में शामिल हो रही है।
हर घर में कुछ ना कुछ यही कहानी हो रहा, हर घर में एक औरत को छोड़ा जा रहा, औरत लोग की जिंदगी देख रहे हैं एकदम तबाह बर्बाद हो रहा। नूर सभा और तारा बेगम बीजेपी अल्पसंख्यक महिला मोर्चा के साथ तेजी से उन महिलाओं को जोड़ रही हैं जो तीन तलाक से पीड़ित हैं और इस नियम के खिलाफ हैं। नूर सभा के इसी ड्राइंग रूम में बीजेपी अल्पसंख्यक महिला मोर्चा की बैठकें होती हैं। यहीं से रणनीति तय की जाती है और इसके बाद गली मोहल्लों में बीजेपी की ये कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों का प्रचार करने निकल पड़ती हैं। जो सारे मेंबर्स क्या कर रहे हैं, सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सबके घर घर जाके देखना है और क्या काम है सबको बताना है। तीन तलाक के खिलाफ बीजेपी ने आवाज उठाई तो मुसलमान महिलाओं को इसमें नई आशा दिखी। आज महिला मोर्चा निडर होकर पार्टी के कार्यक्रम मुस्लिम महिलाओं के बीच पहुंचा रहा है। जिस प्रथा ने इनकी जिंदगी उजाड़ दी, आज उसके खिलाफ ही इन्होंने जंग छेड़ रखी है। बीजेपी और बंगाल की मुस्लिम महिलाओं के बीच नूर और इनकी साथी एक मजबूत कड़ी साबित हो रही हैं। मैं लोगों को अपने बताती हूँ अपने बारे में कि मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी ने मदद नहीं किया। भाजपा ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम की महिला लोग के बारे में ऐसा सोच रही है, तो आप हम लोग के साथ आइए, कुछ दिन आइए रहिए, समझ में आता है आपको तो ठीक है। काफी लोग हम लोग के साथ, काफी महिलाएं जुड़ी हैं। पश्चिम बंगाल में मुसलमान सत्ता की सीढ़ी है। तीन तलाक पर चोट के जरिए बीजेपी महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। पश्चिम बंगाल में अभी तीन तलाक के खिलाफ क्रांति का स्तर छोटा जरूर है, लेकिन इस छोटे से आंदोलन ने बंगाल की राजनीति में बीजेपी की जगह बना दी है। सत्ता में बैठी तृणमूल को ये महिलाएं आज सीधी चुनौती दे रही हैं। तीन तलाक से तृणमूल तक पश्चिम बंगाल में भाजपा के मुसलमान कर्मी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सफलता के बाद बंगाल भाजपा का अगला लक्ष्य है। बयानबाजी तक सीमित भाजपा की लड़ाई अब बंगाल के मोहल्लों और कस्बों को छू रही है और भाजपा का मुसलमान कार्यकर्ता दोहरी लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें एक ओर समाज तो दूसरी ओर राजनीतिक दल शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में कई ऐसे मुसलमान नेता हैं जो बीजेपी के साथ निष्ठा से जुड़े हुए हैं। ये कार्यकर्ता पार्टी के लिए बंगाल में पूरी जी जान से लड़ रहे हैं। दूसरे राजनीतिक दल तो इनका विरोध करते ही हैं, साथ ही अपने धर्म के लोग भी इनसे खराब बर्ताव करते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी के ये लड़ाकू सिपाही टस से मस नहीं होते। उत्तर प्रदेश की जीत से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उत्साहित हैं और जीत के बाद योगी आदित्यनाथ के सरकार चलाने का अंदाज भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को खूब भा रहा है। तीन तलाक के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश चुनाव में चर्चा चली थी कि बीजेपी को मुसलमान महिलाओं का वोट मिला है। बीजेपी के इस दावे में कितनी हकीकत है कहा नहीं जा सकता, लेकिन पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे बीजेपी ने मुसलमानों के बीच अपनी पकड़ बना ली है। चौरासी साल के राहत हुसैन बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है वाले मिथक को तोड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राहत हुसैन बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। हम पार्टी का संविधान देखा, बातें थी कि अपेसमेंट टू नन जस्टिस फॉर ऑल और समाजवाद गांधीवाद पर विश्वास, ये वसूल देकर के हमने बीजेपी को ज्वाइन किया और फाउंडर मेंबर बने हम। इस उम्र में भी उनका जज्बा पार्टी के लिए उदाहरण है। वो बीजेपी के साथ न केवल निष्ठा से जुड़े हैं बल्कि पार्टी के लिए बंगाल में पूरी जी जान लगाकर लड़ रहे हैं। राहत हुसैन चौक चौराहों पर अल्पसंख्यकों के बीच पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं। राहत हुसैन अपने परिवार सहित बीजेपी से जुड़े हैं।
राहत अपने इलाके में कई पार्टियों के गुटों से घिरे हैं, लेकिन इनकी पहचान भाजपा नेता की है। इतने वर्षों की मेहनत के चलते इनके बेटे को अब राजा तनवीर आलम के नाम से नहीं बल्कि बीजेपी राजा के नाम से लोग जानते हैं। बरसों बाद भी वो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को अल्पसंख्यकों के बीच पहुंचाकर उन्हें बीजेपी से जोड़ते हैं। राहत हुसैन के मुताबिक पश्चिम बंगाल के मुसलमान अब अपनी राय बदलकर बीजेपी से जुड़ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग मोदी के कार्यक्रम पर उनको भरोसा होते जा रहा है कि मोदी हर वक्त ये कह रहा है कि 125 करोड़ के मैं प्रधानमंत्री हूँ, उनका काम करूँगा। 125 करोड़ में लगभग 20-25 करोड़ मुसलमान है। पश्चिम बंगाल में 27% से ज्यादा मुसलमान हैं। अब तक तृणमूल कांग्रेस की मुसलमान वोट पर मजबूत पकड़ है, लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी ने 2014 से ही मुसलमानों के बीच अल्पसंख्यक मोर्चे को सक्रिय कर दिया है। फिलहाल बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल विधानसभा में सिर्फ 3 सीटें हैं। अब पार्टी का लक्ष्य राज्य में एक बड़ा विकल्प बनना है। राहत हुसैन के साथ साथ और भी कई नेता पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए मुसलमानों के बीच जनाधार तैयार कर रहे हैं। हावड़ा शहर के आसिफ हुसैन राहत हुसैन से उम्र में छोटे हैं, लेकिन पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे की जिम्मेवारी इनके कंधों पर भी है। आसिफ बताते हैं कि बीजेपी के लिए काम करते हुए उन्हें कई तरह की दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन बीजेपी के लिए ही उनका जीवन है। इशू पब्लिक हिंदू मुसलमान का बात होता है, जो अभी ऐसा इशू हुआ रामनवमी के लिए और उसके लिए ऐसा बहुत सा बात हम लोग को सुनना पड़ता है। कोई काफिर बोल जाता है, कोई हिंदू बोल जाता है, उस पर बर्दाश्त कर भी हम लोग काम कर रहे हैं ऐसे पार्टी लीडर तो कर रहे हैं, आगे देखा जाए क्या होगा। अब जरा बीजेपी के एक और जुझारू नेता से मिलिए। ये हैं शाह आलम। उत्तर कोलकाता के राजबाजार इलाके में शाह आलम रहते हैं। जब पार्टी ने उन्हें यहाँ के मुसलमान बहुल इलाकों में प्रचार प्रसार संभालने को कहा तो उन्होंने जिम्मेदारी उठा ली। सरकार के कार्यक्रम मुस्लिम समाज तक ले जाना उनका काम है। बीजेपी के लिए रैली और प्रचार की जिम्मेदारी से भी कभी शाह पीछे नहीं हटे। शाह मानते हैं कि पीएम मोदी की योजनाएं उनके लिए हैं, लेकिन मुसलमान इनका फायदा उठाने में पिछड़ रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि आप जीरो बैलेंस में अकाउंट खुलवाइए और खुला के इसका बेनिफिट लीजिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हिंदू अलग ये करो और मुसलमान अलग करो। 125 करोड़ संख्या के बारे में वो जब भी बोल रहे, तो हम लोगों का सोच जो है मुसलमानों का सोच है, बीजेपी किसी मुसलमान अकड़ में रहता है। शाह आलम प्रधानमंत्री की योजनाओं से मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। कोलकाता के कई मुस्लिम इलाकों में बीजेपी का जनाधार बढ़ाने में उनका हाथ है और उन्हें यकीन है कि एक दिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी का राज होगा। सबके साथ सबका विकास, अगर बंगाल हेड ऑफिस अगर इन मुद्दों पर काम करेगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर मोदी जी चाह रहे कि 1 लाख मुसलमान वोट दे तो यहां 10 लाख मुसलमान वोट देगा। आने वाले कल में बीजेपी का बंगाल में हुकूमत होगा और बहुत अच्छा माइनॉरिटी इसको सपोर्ट करेगा। बंगाल बीजेपी के ये मुसलमान सैनिक साबित कर रहे हैं कि पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास सबके लिए है। जहां महिला मेंबर 3 तलाक के खिलाफ जुटी हैं, वहीं पुरुष भी मुस्लिम समाज को बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का असर विधानसभा चुनाव के दौरान ही नजर आ गया था। अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का ये दावा है कि 2014 से चल रहे जोरदार अभियान के चलते हजारों मुसलमान बीजेपी से जुड़ चुके हैं। और इतना ही नहीं, हाल ही में हुए उपचुनाव में भी बीजेपी ने बंगाल की कांठी सीट पर अपनी ताकत साबित कर दी है। भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय और राष्ट्रगान। ये है बीजेपी के मुसलमान नेताओं की मीटिंग का एक नजारा। सिर पर गोल टोपी, जुबान पर एनडीए सरकार की नीतियां। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक में युवा मुसलमान नेता भी हैं और उनकी अगुवाई के लिए बुजुर्ग नेता भी,
इस मीटिंग में कई महिला कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे की सभाओं में बीजेपी से जुड़े विवाद नहीं, विकास और देश की उन्नति की बात होती है। केंद्र सरकार के कार्यक्रमों पर चर्चा होती है, मुसलमान की तरक्की की बात होती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मानते हैं कि बंगाल की राजनीति में परिवर्तन धीरे धीरे आने लगा है। नहीं, किसी भी चुनाव के लिए, किसी भी पार्टी के लिए और संख्यालघु वोट चाहिए भी, और बंगाल में एक डिसाइडिंग फैक्टर है, लगभग 30% है, तो उसमें भी हमको मिलेगा वोट। बाय इलेक्शन हुआ अभी, उसमें भी हमको वोट मिला है, तो अभी धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहे हैं। अभी रुझान काफी जोर से बढ़ रहा है, 2-4 महीना में एकदम साफ दिखेगा कि संख्यालघु बीजेपी के साथ ही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा तेजी से पश्चिम बंगाल के शहरी इलाकों में मुसलमानों के बीच अपनी पकड़ बढ़ा रहा है। जब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद किए, उसी दौरान पश्चिम बंगाल बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने गोरक्षा अभियान चलाने का फैसला किया। अप्रैल महीने की शुरुआत से पश्चिम बंगाल बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने गोरक्षा अभियान चलाया। इनमें गोमांस खाने के खिलाफ मुसलमान घरों में जनसंपर्क किया। लोगों को समझाया गया कि गोवध से पर्यावरण, गोमांस से सेहत को नुकसान होता है, और अल्पसंख्यक इकाई के अध्यक्ष अली हुसैन ने खुद इस अभियान की अगुवाई की। फिलहाल पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक मोर्चे के सामने दो लक्ष्य हैं, मुसलमान को बीजेपी से जोड़ना और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की पकड़ कमजोर करना। बीजेपी धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत भी कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष अमित शाह के एजेंडे को लागू करने में जुटे हैं, जिनका नतीजा कांठी दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में भी दिखा। कांठी दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी रही, तृणमूल को 55% तो बीजेपी को इस सीट पर 31% वोट मिले। कभी ये सीट वाम गठबंधन का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन इस उपचुनाव में लेफ्ट का वोटर टूटकर बीजेपी के खाते में चला गया। सीपीआई को इस सीट पर महज 10.2% वोट मिले, उसके कैंडिडेट की जमानत तक जब्त हो गई। पश्चिम बंगाल बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस बढ़त से उत्साह में हैं। बीजेपी को विश्वास है कि यूपी के बाद अब बंगाल में उनका परचम लहराएगा, और इसमें भाजपा का मुसलमान वोटर भी खासी भूमिका अदा कर रहा है।